हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं इंडिपेंडेंट डे की राइड पर जा रहे हैं। आज कहाँ जाने वाले वो आगे जाके डिसाइड करेंगे। अभी ग्रुप आ रही है, पूरी फ्रेंड्स सब आ रहे हैं, जो डिसाइड किया सब आ रहे हैं अपनों। ठीक है, तो अपन भी फटाफट निकलते हैं, क्योंकि वैसे अपन काफ़ी लेट भी हो गए, क्योंकि 6 बजे का तो यहाँ पर था चले, और मैं भी काफ़ी लेट हो गया हूँ। तो यहाँ से चलते फटाक से निकलते अभी, और फिर देखते क्या करना है आगे। सबसे मिलेंगे फिर, शायद अवरा वगैरह जाने का डिसाइड कर रहे हैं, ग्रुप में तो ऐसा ही हुआ था। बाकी यहाँ से निकलते, आपको बाइक वगैरह चेक कराता हूँ क्या सीन है बाइक के साथ। टाइम बाद मतलब ग्रुप राइड निकल रही है, और कितने बंदे आने वाले क्या पता भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई राइड वगैरह तो कर नहीं रहे ग्रुप में से। बाकी जो भी है सोलो राइड ही सब लोग ग्रुप में कर रहे हैं, तो रीज़न तो मुझे भी नहीं मालूम है गाइस। और आधे लोग तो भाई, और जो रोड वगैरह जो बन रहा है ना, काम चल रहा है रोड का, उसके वजह से भी नहीं आ रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही ऑफ रोड हो जा रहा है। तो मैंने बोला भाई ऑफ रोडिंग होगा तभी तो जाएंगे, मज़ा आएगा। तो मैं तो निकल गया भाई, बाकी पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं। अगर देखते हैं, अगर कोई नहीं आया तो अपनी हम लोग, मैं अकेला चले जाऊँगा उधर। बाकी चलते अभी फटाक से ग्रुप से मिलते हैं अभी सीधा, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो अभी गाइस यहाँ पर थोड़ा रुका था, आपको बाइक चेक कराता हूँ। अभी यहाँ चेक कर लो बाइक, और लुक अपना बाइक का अभी कुछ इस तरह से लुक है। बारिश के टाइम में ना गंदा हो गया थोड़ा बहुत, बाकी तो ठीक है। अभी चलते फटाक से अपने, ग्रुप वेट कर रही है, फ़ोन भी आ गया है भाई। लुक यार क्या मस्त लग रहा है देखो। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है ना अभी, कि आधे लोग औरा के साइड जा रहे हैं, आधे लोग मतलब कहीं और जा रहे हैं, और आधे लोग मतलब कि अपना सोलो राइड कर रहे हैं। तो अभी कुछ आइडिया नहीं है अपन किसके साथ चल रहे, तो डिसाइड करेंगे। अभी फ्यूल पंप के उधर जा रहे हैं, अभी फ्यूल पंप के उधर देखेंगे अभी क्या करना है आगे अपने को। तो लेट्स गो, अपन वहीं पे सीधा चल रहे हैं अभी, तो जहाँ अपना मीटअप होता है भाई, वहीं पर जो है वहीं पर पब्लिक आने वाली है, तो वहीं से पता करेंगे अभी कहाँ जा रहे हैं सब लोग। तो अभी फटाक से वहाँ निकलते भाई। ये ऑफ रोडिंग यार, अभी तो भाई गाइस स्टार्ट है ऑफ रोडिंग भाई। अभी रोड वहाँ पर रिपेयर हो रहा है भाई, वहाँ तो और हालत ख़राब होने वाली है भाई, बहुत ज़्यादा भाई। अभी जो राइड किया था ना बीच में, उसकी वजह से मिरर टूट गया था, तो इसको वापस से वेल्डिंग वगैरह करवाया हूँ मैं, अंदर से पूरा गो डैमेज हो, क्योंकि पल्सर 220 पे ना गाइस मैंने जो ये मिरर वाली मॉडिफिकेशन की है ना भाई, बहुत ही बेकार की है। मतलब ये उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही थी, तभी भी मैंने कुछ ना कुछ करके लगा दिया। पर लगाने के एक अब एक सीन हो गया, क्योंकि इसका जो ब्रैकेट है ना गाइस, वो उसका वेट उठा ही नहीं पा रहा है। मतलब जो उसका वेट होता है ना भाई मिरर का, वो उठाना रहना चाहिए, वो उठा ही नहीं पा रहा है। वो कुछ टाइम बाद है ना टूट ही जा रहा है, ऐसा गड्ढे वगैरह आ रहे हैं ना, वो शेक होने की वजह से ना भाई वो वेल्डिंग ही टूट जा रही है बार बार। तो इस बार टूटेगा तो भाई मैं पल्सर 220 जो ओरिजिनल मिरर है वो लगाने वाला हूँ इस पर वापस। जो मेरे पास पुराने वाले रखे हुए हैं, मैं वही वापस से इस पर इंस्टॉल करने वाला हूँ, ये वाले मिरर हटा दूंगा मैं। खैर हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही। और मैं गाइस तुम सबको एक बात बोलूँ ना, तुमको ना जो कर रहे हैं ना भाई, अब जब से तुम्हारी एज है, तुम ये सोचोगे भाई कि आगे जाके 2-3 दिन बाद स्टार्ट करूँगा ये भाई, वो टाइम निकल जाता भाई। तुम जब से स्टार्ट कर सकते हो ना भाई, तब से कर दो, जो भी चीज़ तुम्हें करनी है ना भाई तभी से स्टार्ट कर दो भाई, तभी तुम्हारा हो पाएगा भाई। वरना फिर क्या है, आगे आगे है ना बहुत दिक्कत हो जाती है भाई, जैसे मेरे को हो रही है भाई। मैं रोज़ रोज़ ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मैं रोज़ रोज़ ट्रैवल कर पा रहा हूँ कहीं पे। पहले जैसा मेरा अब नहीं रहा कि भाई मैं रोज़ निकल सकता था, अब मैं नहीं निकल पा रहा रोज़ रोज़, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो गए मेरे साथ कि भाई मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई उसमें। तो भाई जो मेरे साथ हो रहा है भाई, वो तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए भाई। बहुत भाई अफसोस है भाई उस चीज़ का मुझे अभी भी। और भाई मैं सबको यही बोलो भाई, जब से तुम्हारा दिल जो करने का मन कर रहा है ना भाई, उसमें करो भाई। और सबसे अच्छी बात है भाई कि भाई तुम अपना दिल में जो आ रहा है ना वो कर रहे हो तुम, और जब से तुम कर सकते हो ना भाई तभी से करो भाई, कि हाँ भाई कल अब भी से कर सकता हूँ मैं, मेरे पास अभी वो टाइम है। भले थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो भाई करना, पर करना स्टार्ट तो करो भाई, मेन मुद्दा यही होता है भाई स्टार्ट करना भाई। मैं भी कर रहा हूँ भाई, पर एकदम से अभी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं जैसा मैं पहले ब्लॉगिंग करता था भाई, पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता था, क्योंकि तभी मेरे को इतना वो नहीं था कि भाई वीडियो में कैसा क्या है बोलना वगैरह,
अब मैं बोलना वगैरह सब सीख गया, मतलब थोड़ा बहुत हो गया, मतलब कि हाँ भाई अब डर अंदर से ख़त्म हो गया भाई। कि तभी बोलते ना, अभी तभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा टर्निंग आया ना भाई कि भाई मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेन वही है भाई। तो अभी वो सब छोड़ते, अभी भाई अपनी ग्रुप यहाँ आ गई है लोग, ये आधे लोग यहाँ पर है पब्लिक भाई, आधे लोग फ्यूल वूल भरा रहे और हम भी फ्यूल भराएंगे फिर यहाँ से निकलने वाले हैं। तो भाई यहाँ का लाइनअप चेक करो भाई, कावासाकी अपनी ब्लैक पर्ल, बाकी ये देखो यहाँ से पूरा लाइनअप वहाँ तक है भाई। और ये बच्चे लोग है भाई, सबसे हाथ मिला लो, टाइम पास हो जाएगा अपना। तो भाई यहाँ का लाइनअप फ्यूल पम्प का लाइनअप अभी यहीं पे, अभी इतनी ही बाइक है और बाइक नहीं आ रही, क्योंकि शायद आ भी सकती है, एक दो बाइक और आ सकती है उसमें ऐड हो सकती है, बाकी तो ज़्यादा बाइक सर बाइकर आज नहीं आ रहे अभी आज, क्योंकि रोड का काम वगैरह चल रहा है इसके लिए जैसा मैंने आपको बोला था। बाकी तो यहीं पर ऐसा ही है सीन, बाकी देखते अभी क्या करना है। फाइनली पहुँच गए हैं भाई, भाई पब्लिक चेक करो भाई, और आगे पब्लिक भाई, फाइनली हम लोग पहुँच गए अहूरा। अब यार पब्लिक चेक करो यार, कहीं पब्लिक आई हुई है भाई, आवाज़ सुनो यार, क्या आवाज़ लाउड है यार, क्या ही लाउड है यार गाइज। अभी सीन तो कुछ ऐसे कि अभी यहाँ से रिटर्न जाने वाले हम लोग, और आप लोग देख ही सकते हो अभी सारी सुपर बाइक्स तो ऑलमोस्ट चली गई है, थोड़े बहुत है जो नॉर्मल सीसी के बाइक है, जो 400 300 सीसी के ऊपर की बाइक है, ठीक है ठीक है। और हम मैं अभी सोच रहा हूँ ये ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ गाइस, क्योंकि मेरे GoPro में चार्जिंग भी नहीं है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करना गाइस, ठीक है। बाय बाय, सी यू फॉर नेक्स्ट ब्लॉग गाइस, बाय बाय।